Hey, what up guys, I'm Jawboy and welcome back to my new video. तो जैसे कि तुम लोगों को बताया, मेरा जो लास्ट वीडियो था वो था मुंबई करने के ऊपर एक रोस्ट, और वो रोस्ट पे मुझे बहुत हेट मिला. लाइक जितने मुझे लाइक्स थे उससे ज़्यादा तो डिसलाइक्स हो गए थे बीच में. अभी तो शायद से इक्वल ही है, और बहुत सारे हेट कमेंट्स आए, बहुत सारे हेट आया मुझे. इंस्टा पे भी एक दो लोगों ने DM किया मुझे हेट मैसेज वो वीडियो देखने के बाद. लाइक मुझे इतने हेट कमेंट्स आ रहे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. तो बस मैं हेटर्स, जिन लोग ने भी हेट कमेंट्स किए थे उन लोग से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तुम लोग की बारी है. बैंचोद रुको, तुम लोगों को मैं देखता हूँ, एक मिनट एक कांदा हो जाने दो, फिर तुम लोग को बता दो. बैंचोद भाई शपथ यार, ये बाम लगता है हाथ में. ये टिकटॉक वाले लोग भारी लग रहे हैं लोग. लेकिन चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के. ये थंबनेल के लिए पिक. सो हे व्हाट अप गाइस, आई एम जॉबॉय एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो. तो पिछले वीडियो पे बहुत सारा हेट मिलने के बाद मैं वापस आ गया उसी टॉपिक के ऊपर. मतलब उसी टॉपिक के ऊपर नहीं, मुंबई का निकल के चूतिया फैंस के ऊपर. चूतिया ज्यादा हार्श हो गया ना, स्टूपिड फैंस के ऊपर. ओके, तो उनके ऊपर आज का रोस्ट वीडियो होने वाला है. तो मैं उनके कमेंट्स पढ़ूंगा और देखूंगा कि किसने कितना लॉजिकल कमेंट किया है मेरे वीडियो पे. और जो सबसे ज्यादा लॉजिकल कमेंट होगा वो होगा फैन ऑफ द डे ऑफ मुंबई कर निखिल. मेरा थोड़ी हट. तो जितने भी लोगों ने हेट कमेंट्स दिया है और डिसलाइक्स दिए हैं, उनमें से मुझे पता है 50% ही लोगों के जिन्होंने पूरे वीडियोस को देखा है. ओके, और जिन लोग ने वीडियो को समझा, आई नो कि वो लोग ने डिसलाइक तो दिया ही नहीं होगा, उन्होंने बातों को समझा होगा प्रॉपरली, क्योंकि जो भी मेरे पॉइंट्स उठाए गए थे वीडियो में वो सब वैलिड थे. जो लोग को पूरी हिस्ट्री पता है मुंबई कर निखिल की, वो लोग को तो पता ही है कि एक भी पॉइंट गलत नहीं था. कॉपीराइट स्ट्राइक वाला हो या फिर वो JJ फ्लाईओवर वाला हो, तो मेरे जो पॉइंट्स थे मैं एक बार तुम लोग को वापस याद दिलाता हूँ, शायद तुमको थोड़ी सी अक्ल आ जाए. तो पहला पॉइंट ये था उस वीडियो में, बैड इंग्लिश, जो कि छोड़ दो, चलो छोटा पॉइंट था. दूसरा पॉइंट ये था लॉकडाउन के टाइम पे बाहर जाना. ओके, तीसरा पॉइंट ये था छोटे यूट्यूबर्स पे कॉपीराइट स्ट्राइक करना, जैसे पापा को उस पर किया था पहले. और चौथा पॉइंट ये था JJ फ्लाईओवर पे बाइक लेके जाना, जो कि अलाउड नहीं है. चारों पॉइंट्स में मैंने क्या गलत बोला अगर तुम्हें पता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर तुम्हारे पास वैलिड पॉइंट नहीं है कुछ बोलने को तो अपना मुंह बंद रखो. फिर भी अगर तुम्हें मुंह बंद नहीं रखना है, नीचे गालियां लिखनी है और कमेंट करना ही है, तो करो यार, मेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है. थैंक यू. और लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छा एंगेजमेंट आया, 65 प्लस कमेंट्स. हाँ, सो यहाँ पे एक पहला कमेंट है समर्थ सचदेव का. समर्थ सचदेव ने बोला है मेरा 15 मिनट वेस्ट जर दिया. ओके, कर दिया. ओके, मेरा 15 मिनट वेस्ट कर दिया सुबह. तो देखो समर्थ से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, वीडियो था 9 मिनट 47 सेकंड्स का, तो तेरा 15 मिनट कैसा वेस्ट हुआ? कैसा? फिर मारने का आएगा तू? मतलब ये तुम लोग सुबह सुबह जो माल फूकते हो ना, मेरे को भी भेजो जा रहा है, मेरे को भी भेजो, मैं भी ट्राई करता हूँ. Stop it. Get some help. समर्थ ने वापस लिखा है कतई चूतियो बंदे हो तुम. ओके, देखो भाई, 9 मिनट 47 सेकंड्स की वीडियो 15 मिनट की मेरे को तो नहीं लग रही है. अब जिसको लग रही है वही होगा कतई. हमारे आज के दूसरे कमेंटर है भोसड़ी के थे. अरे सॉरी, ये तो कमेंट पढ़ना भी लगा. मंगेश बिराज सर, उन्होंने कमेंट किया है भोसड़ी के, तेरी ऑक्टा क्या है जो तू उसको रोस्ट करेगा? ऑक्टा क्या होता है? AUKT. ओके, औकात लिखना चाहते हैं, मैं भूल गया, मुंबई कर निखिल फैन है, स्पेलिंग कैसे राइट हो सकती है ना. हाँ, तेरी ऑक्टा क्या है तू उसको रोस्ट करेगा? सी जिसे शकल है. तो बेसिकली बोल रहे कि तेरी औकात क्या है जो तू उसको रोस्ट करेगा, और सी जैसे शकल है. सी, ये कौन सा एंगल से सी दिख रहा है तुमको? देखो, तुमको गाली लिखना है पूरा लिख सकते हो, मैंने नहीं रोका है, पर सी जैसे शकल कैसे बनता है इंसान का? चांद हूं मैं, बेंचो देसा.
अरे कहना क्या चाहते हो? तो मंगेश भाई से हम आगे बढ़ते हैं और मंगेश भाई को कोई जाके बताओ कि औकात की स्पेलिंग क्या होती है, वरना और लोगों के वीडियो पे ओकता ओकता करते रहेंगे। तो हमारे अगले कमेंटर हैं लब्बू नेगी, इन्होंने कमेंट किया है, भाई हेलो हेलो बच्चा है तू अभी सामने तेरे सब्सक्राइबर जितने हैं उससे ज्यादा उसके व्लॉग्स हैं यूट्यूब पे, ओके और उससे मत निकल क्या करना है चूतिया साला। तो देखो ये मुझे वन ऑफ द मतलब ऐसा बोल सकते हैं मतलब प्रॉपर कमेंट था ये, क्योंकि उसके व्लॉग सीरियसली मेरे सब्सक्राइबर से ज्यादा है। बढ़ाओ यार सब्सक्राइबर बढ़ाओ। उसे मत सिखा, देखो मैं किसको सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि तुम्हारे फेवरेट व्लॉगर ने क्या क्या चूतियाबा किया है। और तुम्हें नहीं सुन सकते तो मत देखो वीडियो, स्किप करो, और अगर देख सकते हो तो पूरा देखो, फैक्ट्स को समझो, जो बोला है एक भी बात झूठ नहीं है वो वीडियो में। मेरे भाई लब्बू नेगी, नाम मस्त है आपका लब्बू। तो हमारे अगले कमेंटेटर है, कमेंटेटर क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, फक। तो अगला कमेंट है नयन तेरैया की तरफ से, ओके नाम का मजाक नहीं उड़ाऊंगा मैं, लेकिन तेरैया सर यू हैव टू चेंज योर नेम। अबे मगरमच्छ के मुंह वाले, मगरमच्छ फक बे, कॉम्प्लीमेंट था कि हेट पता नहीं रे, मगरमच्छ हाँ चुप हो जा साला, टाइम वे टाइम वेस्ट कर दिया, ओके वेस्ट कर दिया, ओके सॉरी, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले बार आपका टाइम वेस्ट ना हो, नॉर्थ साउथ ट्राई करेंगे अपन। तो अगला कमेंट है उज्जवल मिश्रा की तरफ से, जिन्होंने कहा है भाई कसम से कुछ टैलेंट यूज कर अपना, गो नहीं कर, गो क्या था, जी डब्ल्यू ओ नहीं कर, अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा, शिट मैन मैं भूल गया, सॉरी मुंबई करने के फैंस हो गए सॉरी। हाँ स्टार्टिंग में ही हेट फैला रहा है तू, प्यार फैला प्यार मिलेगा। देखो तो बाबा उज्जवल मिश्रा से मैं ये कहना चाहूंगा, मैं प्यार कैसे फैलाऊं भाई? हाँ तुम्हारा फेवरेट ब्लॉगर चूतियाबा करेगा और तुम एक्सपेक्ट करते हो मैं उस पे प्यार फैलाऊं, फूल फेंकू उसको, चुम्मा चाटी करूं उसके साथ। हाँ उज्जवल मिश्रा का एक और कमेंट है, लोग चाहते थे, अच्छा अपने सारे दोस्तों को बोल दिया होगा मुंबई कर निखिल को क्लिक कर देना, 20 फॉलोअर नहीं है कबूतर के, उड़ने चला है। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, जाके एक बार चेक करना कितने फॉलोअर्स है। तेरा उठता है हाफ बिरयानी उठता है तेरा उठता। तो उज्जवल मिश्रा जी कुछ भी कमेंट करने से पहले अपने उज्जवल दिमाग को उज्जवल करें और उसके बाद हगे, ऐसे बिना सोचे समझे हगने से प्रॉब्लम हो जाती है, ओके? तो अगला कमेंट है ओम पाटिल की तरफ से, उन्होंने लिखा है चिमकांडी शक्ल का निकला दूसरों को रोस्ट करने। देखो यार तुम लोग पहले डिसाइड करो यार, मगरमच्छ की चिमकांडी, और ये चिमकांडी क्या होता है, एक मिनट को मैं सर्च करता हूँ, व्हाट इज चिमकांडी। हाँ तो चिमकांडी का मीनिंग है, द मीनिंग ऑफ चिमकांडी इज याम इन इंग्लिश, द याम इज अदरवाइज नॉर्थ अमेरिकन स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो व्हाट द फक, स्वीट पोटैटो दिखता है मैं, पहली बार किसने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया, व्हाट द फक। तो अगला कमेंट है अगम सोमानी की तरफ से, अबे प्रैक्टिकली सोच सर है ना सही बोल रहे हैं, लेकिन सर क्या सही बोल रहे हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? तो अगम सोमानी जी से पूछना चाहता हूँ कि सर क्या सही बोल रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताओ, लॉकडाउन के टाइम बाहर निकलना सर सही बोल रहे हैं ये सही था मतलब, या फिर छोटे यूट्यूबर्स को कॉपीराइट स्ट्राइक करना सर सही कर रहे हैं, हाँ या फिर जेजे पे बाइक लेके जाना सर सही कर रहे हैं। तो बस इससे ज्यादा हेट कमेंट्स नहीं है मेरे पास, और कुछ हेट कमेंट्स अपने आप यूट्यूब ने निकाल दिए पता नहीं क्यों, मतलब मुझे वो भी चाहिए थे, अच्छा एंगेजमेंट बढ़ रहा था,
और बस इतना ही कहना चाहूंगा एंड में कि भाई तुम किसी के फैन हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, पर पूरे फैक्ट्स को समझो, जो भी मैं बोल रहा हूँ वीडियो में उन सब बातों को समझो। मैं क्या मनगढ़ंत कहानियां नहीं बना रहा हूँ, सब सारी बातें सच है, सारी बातें फैक्ट्स है। साइमन सेज के वीडियो में जाके देखो, उसने भी बोला मुंबई कर निखिल को कि ये गू जो आपने किया है बहुत बड़ा गू है, तो वो सब फालतूगिरी मत करो यार, समझो बात को प्लीज। ऐसे डायरेक्ट हेट फैला रहे हो तुम लोग, डायरेक्ट हेट कमेंट्स लिख रहे हो, उससे मेरा कुछ नहीं जा रहा है यार, मेरा एंगेजमेंट बढ़ रहा है ओके, फिर यूट्यूब और लोगों को मेरा वीडियो सजेस्ट करेगा, तो मेरा कुछ जा रहा नहीं। मैं बस तुम लोग को समझा रहा हूँ कि अंधभक्त बनोगे तो तुम्हारा ही नाम खराब होगा इन द एंड। देखो हेट उसको देना चाहिए जो चीज गलत है ओके, जो चीज सही है उसको तुम हेट दोगे उससे बस ये की चीज दिखता है कि तुम किसी के अंधभक्त हो। तो बातों को समझो किसी को भी हेट देने से पहले, और देना है तो दो यार, क्या जा रहा है किसका वैसे भी। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब या फिर डिसलाइक करो अब तुम उसके फैन हो गए तो, और कर भी कह सकते हो। असली रहेगा तो दोस्ती बढ़ा दूंगा, नकली बनेगा तो फटके दे डालूंगा। मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा भाई, मेरा...